हेलो फ्रेंड्स, चाइनीज डिश खाना सभी को बहुत पसंद आता है और आज हम बनाएंगे चाइनीज की बहुत ही फेवरेट डिश वेजिटेबल चाउमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेजिटेबल चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 लीटर पानी और उसमें डाला है थोड़ा सा नमक और कुछ बूंदे डाली है ऑयल की। उससे क्या होगा ना कि जो नूडल्स है वो आपस में चिपकेंगे नहीं। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 पैकेट नूडल्स और इन्हें हम यहाँ पर तब तक पकाएंगे जब तक एक अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता है पानी में। और उसके बाद में हम इसे चेक करेंगे। नूडल्स को हमको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी कि बस 80% ही पकाना है। तो हम इस तरीके से उसे चेक करके देख लेते हैं हाथ से। ये देखिए, ये बढ़िया से हो गया है नूडल्स। अब हमें इससे ज़्यादा अब नहीं पकाना है, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसका पूरा पानी हम निकाल लेंगे। इसके साथ ही इसके ऊपर हम डालेंगे ठंडा पानी ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। तो थोड़ा सा डाल देंगे हम ठंडा पानी। इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे कुछ सब्जियां जो मैंने इस तरह ली हैं। जैसे ली है मैंने पत्ता गोभी, इसके साथ ही लिया है गाजर, शिमला मिर्च ली है और थोड़े से लिए हैं प्याज, जिन्हें मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है सारी सब्जियों को। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो मैंने लंबा कट किया हुआ है, 2 से 3 हरी मिर्च मैंने लंबी कट कर रखी हैं और थोड़ी सी 4 से 5 कलियाँ ली है लहसुन की बारीक कट की हुई। इन सब्जियों के अलावा हमें कुछ सॉसेस चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पे कुछ सॉस लिया है। जैसे लिया है 1 चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच लिया है ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच लिया है रेड टोमेटो सॉस, साथ ही लिया है मैंने थोड़ा सा विनेगर, लगभग 1/2 चम्मच। इसके साथ ही हम लेंगे यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च। एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल और ऑयल को बहुत अच्छे से हम गर्म होने देंगे। उसके बाद डाल देंगे जो प्याज हमने लंबे लंबे कट करके रखे थे और यहाँ पर गैस का फ्लेम आपको तेज रखना है। साथ ही हरी मिर्च, अदरक और लहसुन भी डाल देंगे। और अब यहाँ पर हम सब्जियाँ भी ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ पहले कैबेज और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे गाजर। इन सारी सब्जियों को भी हम यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। आप बिल्कुल भी गैस का फ्लेम कम ना करें क्योंकि हमें यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जियों को थोड़ा क्रंची रखना है। ये देखिए, ये सब्जियाँ भी हल्की हो चुकी हैं। अभी मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च नहीं डाली है क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे शिमला मिर्च भी और इसे भी हम लगभग 1/2 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है। और इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे सारे सॉसेस जो हमने रखे हुए थे, वो भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ सोया सॉस, साथ ही यहाँ पर डाल देंगे हम टोमेटो सॉस और डाल देंगे यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर 2 चम्मच ले लीजिए और उसे इस तरीके से मिक्स कीजिए। ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है इस तरह से। ये देखिए, इस तरीके से आपको मिक्स करना है। ये देखिए, सभी को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक। ध्यान रहे, नमक हमने पहले भी डाला था और सॉसेस में भी नमक होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही नमक डालिए। और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और विनेगर जो हमने रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और बस, अब आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। विनेगर डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। और लीजिए, डिलीशियस स्पाइसी हमारा गर्मा गर्म वेजिटेबल चाउमीन बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बच्चों को तो मज़ा ही आ जाता है इसे खाकर। आपको ये वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।